Assalamu alaikum, and you are watching my official YouTube channel Art Educator by Rida Fatma. So my viewers, I have observed that many students get into confusion that how to pursue art and design field as career from the perspective of job and business. Before going to open a discussion about this or on this broad spectrum, I would like to mention that you must think that how to start a career in art and design. So there are certain requirements that you need to fulfill, and in those requirements, first of all, develop your skill. Aur skill ko bhi develop karne se pehle jo main aapko kahungi ke you need to work hard, you need to build your network, you need to have a proper planning. Then come on this point, I'm coming back to the point which I said earlier, that ke aap logon ne sabse pehle apni skill ko develop karna hai. You must have solid artistic skills. Aur skill ko kis tarah se aapne polish karna hai, it's up to you. Aap jis bhi field ke andar apne aap ko dekhte hain aur apna interest hai aapka, uske andar aapne apni skill jo hai wo maximum se bhi percentage thodi zyada rakhni hai. Kyunki again, at the end, you are preparing yourself for market. You are not preparing yourself just to sit at home and to show the degree. Theek hai, uske liye nahi hai. So this art and design education is fully based upon your practical, जिसको कहते हैं ना कि आपकी प्रैक्टिकल इनपुट है वो इसमें बहुत ज़्यादा है. तो वो उसमें आपको जो है अपने आप को जो है देखना है. सेकंड पे अगर हम देखें तो फाइंड योर आर्टिस्टिक वॉइस. आपकी जो आर्टिस्टिक वॉइस है, आपकी जो कॉल टू एक्शन, एक आपको जो आपका इनर भी कहता है, उसको आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसको आपने एक्सप्लोर करना है. फिर आपको एक्सपोजर होगा उन सब जो हैं आपकी जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, आया आप जॉब के पर्सपेक्टिव से या बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से. तो यहाँ पे एक आपने जो है अपनी इनर रियलिटी, जिसको कहते हैं ना जेन्युइन होके काम करना, वो आपने करना है. देन आपने क्या करना है, आपने उसके बाद जो है अपना यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस. उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट आ जाता है, तो आपने उस चीज़ को भी अंडरमाइन रखना है. उसके बाद यू नीड टू मेक अ स्टूडियो स्पेस. अच्छा, अब स्टूडियो स्पेस इवेंचुअली हम समझते हैं कि बहुत कोई ग्रैंड इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है. स्टूडियो स्पेस होती है कि आपकी पर्सनल, एक आपकी प्राइवेट स्पेस, जो जिसमें जाकर आप ये में अपना वर्किंग एम्बियंस क्रिएट करें, जिसमें आप जाकर आपको पता लगे कि अब आपका ये एक स्पेस है. आइदर आप मिनिएचरिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्कल्प्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, व्हाटएवर यू आर, और जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो अपने लिए एक हमेशा जो है एक स्पेस क्रिएट करें. उस स्पेस से ये होगा कि आपके आइडियाज़ में भी आपको जो हेल्प आउट होगा, किस तरह से आपके आइडियाज़ डेवलप होते हैं और आप जो है किस तरह से जो है अपना आगे जो है काम के अंदर प्रोग्रेस आप होती हुई देखेंगे प्रैक्टिकली इन टर्म्स, और आपके ख्याल भी बदलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके थोड़े से क्लियर होंगे वाइल सिटिंग इन आइसोलेशन. और एक अपने लिए सेपरेट स्पेस ज़रूर रखें. ये सब करने के बाद मैं आपको कहूँगी कि एक सवाल ये भी उठा कि मैम आप ये बता दें व्हाट आर गुड कैरियर्स. तो मैं आपको बताऊँ, गुड कैरियर्स इज़ मेयरली अ परसेप्शन ऑफ माइंड. मैं कहूँगी कि व्हाट शुड बी द कैरियर और व्हाट आर द कैरियर्स फॉर द आर्टिस्ट. तो आर्टिस्ट के लिए जो कैरियर है ना, वो उसकी मंसूख करता है कि उसने स्पेशलाइजेशन किस में की है. उसमें प्लस पॉइंट ये है कि उसने तय डिसिप्लिनरी एरियाज़ जो होते हैं उसके अंदर भी, जो एक आर्टिस्ट है या डिज़ाइनर है, उसकी अपने से भी काबिश होती है और उसकी अपनी भी एक्सपर्टीज़ होती हैं जिसमें कि वो काम करता है. तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज़ बोल रही हूँ, वो मल्टी फंक्शनल हैं, यानी कि मल्टी टास्किंग हो सकता है एक आर्टिस्ट और एक डिज़ाइनर. ज़रूरी नहीं है कि जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन किया वही अब आपकी ज़िंदगी का कोर वर्क बन जाए. आप उससे बियॉन्ड भी सो सकते हैं, बियॉन्ड भी जा सकते हैं, और वो आपकी पर्सनल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं से होगा. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो एक पेंटर होता है वो पेंटर ही होता है. मैं कहूँगी कि जब आप कहीं किसी भी एकेडमिक, जब एजुकेशनल
पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिग्री परसू करते हैं तो आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है कि आया आप अपना मेजर किस में करना चाहते हैं, मिनिएचर में, स्कल्पचर में, प्रिंट मेकिंग में। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करते हैं आफ्टर टू ईयर, और इन द बिगनिंग आपका सारा फाउंडेशन का ही जो है सॉर्ट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट चल रहा होता है। तो आप उसमें जो हैं, जब आप अपने करियर को परसू करने का टाइम आता है तो आप गैलरीज़ में जो अपना एग्जिबिशन करते हैं उसमें से कई लोग जो होते हैं वो क्यूरेटर्स बन जाते हैं, कई लोग जो होते हैं वो शो क्यूरेट करने में उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो शो क्यूरेट कर रहा है वो सिर्फ शो ही क्यूरेट कर रहा है, वो इसी तरह के मल्टी डिसिप्लिन्स में जो अपने आप को उस कैटेगराइज्ड करता है और वो पेंट भी कर रहा होता है एट द सेम टाइम, क्यूरेशन भी कर रहा होता है। सो मैंने आपको जिस तरह से मेंशन किया है कि आर्ट वर्ल्ड या आर्ट की फील्ड एक बहुत वास्ट एरिया है हमारे पास, और उसमें जो आपने, मैं सवाल के ऊपर अब आऊँगी कि जो आपने कैरियर्स पूछे हैं, बेसिकली एक क्यूरेटर होता है, आर्ट डायरेक्टर होता है, म्यूज़ियम डायरेक्टर होता है, आर्ट इंस्ट्रक्टर होता है, आर्ट थेरेपिस्ट होता है, और इसी तरह से सो ऑन फर्दर जो हैं जॉब्स भी निकलती रहती हैं और आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जिस टाइम में, जिस तरह के लास्ट मैंने आपको एक WCL का रेफरेंस भी दिया था। सो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जाकर जिनको आप जो है वो लाइक करें, और उन पेजेस पर जाकर आपको जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी और उनको फर्दर देखते रहा करें। उसके बाद एक सवाल ये भी उठा कि व्हाट आर गुड कैरियर्स इन डिज़ाइन। मैंने वो आपको बता दिया कि देर कुड बी कैरियर्स इन डिज़ाइन, बट गुड और बैड आई डोंट कंसीडर दैट वर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैरियर, जब आप एकेडमिक्स की स्पेशली बात कर रहे हो। तो एकेडमिक्स में जो कैरियर है डिज़ाइनर के लिए, वो UI और UX डिज़ाइनर होता है, फिर मोशन डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो हमारे पास जॉब्स हैं इसकी निकलती हैं, और बहुत बहुत कॉमन फील्ड में जो है हमें नज़र आते हैं हर जगह पे। तो अब डिज़ाइन की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एज़ आई सेड के अबूर हासिल कर चुकी है। It is now clear that there are many different job opportunities for designer and artist that will allow you to experience or exercise your creativity day in and day out. But I would say that you must be, or you should be, closer to finding the best and creative careers that align best with your skills and interest. और ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ग्रेजुएट होंगे या आप कुछ करेंगे, एकदम से आप ग्रेजुएट हो गए हैं और उसके बाद जो भी आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस और ये सब जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली किस तरह से, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आपको जो है वो बिज़नेस और जॉब जो है वो आप साइमल्टेनियसली आफ्टर ग्रेजुएशन। देखिए, ग्रेजुएशन जो आपका एकेडमिक था ना, BS ऑनर्स का 4 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, आया आपने 5 ईयर्स जो है वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में होता है और आर्किटेक्ट्स के लिए होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है एकदम से अपना करियर स्टार्ट कर देंगे। आपको एक्सपीरियंस गेन करना है अपने सीनियर से, अपने सुपीरियर से, तो आप जो है उनके साथ कुछ ऐसी एजेंसीज, कुछ ऐसी फर्म्स, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जहां पर आपको ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने किस तरह से है जो प्रोफेशनली इन होना है इन कैरियर्स के अंदर। तो आपने उनको भी जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपने उनको भी साथ साथ अपना जो है स्ट्रीम लाइन में रखना है, ताकि आप उनको भी देखते रहें। और इंटर्नशिप के बहुत ज़्यादा जो है मौके जो हैं वो आते हैं, उन इंटर्नशिप्स के मौक़ों को मैं कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल लूज़ मत करिए, इंटर्नशिप्स करिए। 3 मंथ्स की होती हैं, मतलब कि यूजुअली तो 3 मंथ्स की होती हैं जनरली जो देखने में आता है। तो आप डिज़ाइनर्स के लिए मैं कहूँगी कि उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और आर्टिस्ट के लिए भी है इक्वली। तो आपने जो है प्रॉपर ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, और कुछ लोग जो हैं वो 10-12 साल एक जॉब में और एक्सपीरियंस गेन करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, और फिर इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि वो अपना कुछ काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर आपको समझ होना ज़रूरी है, लर्न करें, ट्रेनिंग लें, और उसके बाद जो है वो कदम रखें।
और यहीं पे मैं जो है अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ आज के लेक्चर का। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इसमें जो भी आप मुझसे कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो उसका ये है कि आप लोगों ने मुझे जो है ईमेल करनी है। जी, ईमेल करनी है मेरे ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस है रिदा फातिमा का, जो ऑफिशियल आपने ईमेल एड्रेस है arteducatorridafatima@gmail.com। जीमेल पे मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर आपने मुझे जो है अपनी क्वेरी सबमिट करानी है। और इसके साथ आप जो कमेंट सेक्शन है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेटर बाय रिदा फातिमा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।